अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों उम्मीद रखता हूँ कि सब खैरियत वाफियत से होंगे। आज एक दोस्त का आर्डर है, 50 ml परफ्यूम्स हैं, 40% कंसंट्रेशन के साथ, कुछ एक्सटेंड परफॉर्म वर्जन भी है, लेकिन ज़्यादातर जो है 40% इसमें एक शिकारपुर का है और दूसरा जो है यहाँ पे पिशावर का एक दोस्त है उसके आर्डर है। ये तकरीबन 10 टॉप 10 परफ्यूम्स हैं, टॉप 10 जो दुनिया के टॉप 10 भी हैं और हमारे यहाँ भी टॉप 10 फ्रेगरेंसेज हैं ये सारे। इसमें सिवाज डियोर हैं, सिवाज डियोर ये एरोमेटिक फोजे फ्रेगरेंस है। इसकी नोट्स में पिंक, इसकी नोट्स में ब्लैक पेपर हैं। ये बहुत टॉप क्लास की फ्रेगरेंस है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी लास्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद एलेवर होम स्पोर्ट है शनेल की, ये भी बहुत बेहतरीन फ्रेगरेंस है। एलेवर होम स्पोर्ट बहुत लॉन्ग लास्टिंग और प्रोजेक्शन वाली फ्रेगरेंस है। इसके बाद पोलो ब्लू है, ये ओशियनिक, ओजोनिक और फ्रूटी टाइप की फ्रेगरेंस है, बहुत बेहतरीन। इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई थी पोलो ब्लू पर, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोजेक्शन और सियाज वाली फ्रेगरेंस है, इसकी बहुत बेहतरीन सियाज बनती है पोलो ब्लू की, बहुत बेहतरीन खुशबू है। इसके बाद लेडीज़ में गुची फ्लोरा, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत बेहतरीन फ्लोरल फ्रेगरेंस है, लॉन्ग लास्टिंग है। इस तरह की लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस बहुत कम होती हैं, इसकी बहुत ज़बरदस्त सियाज बनती हैं गुची फ्लोरा की और इसकी प्रोजेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त होती है। लेडीज़ हैं लेकिन पाकिस्तान की कल्चर में ज़्यादातर ये जेंट्स पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर वो फ्रेगरेंस पसंद नहीं करते जो ज़्यादा सियाज हो, उसकी ज़्यादा प्रोजेक्शन हो, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। तो जेंट्स ज़्यादातर ये गुची फ्लोरा पसंद करते हैं, फ्लोरल फ्रेगरेंस है। फ्रेंच ने तो ये उसमें बनाई है, लेडीज़ के लिए बनाई है, लेकिन यहाँ पर ये ज़्यादातर मर्द हज़ारात ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद विक्टोरिया सीक्रेट की बॉम्बशेल है, ये फ्रूटी फ्लोरल फ्रेगरेंस है, ये भी बहुत प्यारी खुशबू है लेडीज़, लेकिन ये भी यहाँ पे इसकी उलट है, जेंट्स ज़्यादा पसंद करते हैं बॉम्बशेल, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़बरदस्त सियाज बनती है और बहुत बेहतरीन प्रोजेक्शन है इसकी बॉम्बशेल की। जब आप लगाएंगे, जहाँ से आप गुजरेंगे तो वहाँ पर इसकी खुशबू होगी। ये वैसे ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये इस तरह है, बल्कि ये आप जहाँ से भी लेंगे बॉम्बशेल गुची फ्लोरा, जहाँ से भी लेंगे इसकी यही क्वालिटी होगी और यही इसकी प्रोजेक्शन और इसकी सियाज बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये इसकी नोट्स ऐसे नोट्स हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइप में आता है। इसके बाद जो है एवेंटस क्रीड है, जो कि ये भी किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, ये भी बहुत बेहतरीन और प्रोजेक्शन और सियाज वाली फ्रेगरेंस है क्रीड एवेंटस, ये भी किसी मोहताज की तारुफ की मोहताज नहीं है। इसके बाद बकरात रोज हैं, जो कि ये अंबरी फ्लोरल फ्रेगरेंस हैं, बकरात रोज बहुत टॉप क्लास की चीज़ है। इसके बारे में आप दोस्तों के साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ, अगर आप लोगों को स्वीट अंबरी फ्लोरल लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस चाहिए तो बकरात रोज, लेकिन ये बात याद रखें कि इसकी बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप पर भी बोझ डालेगा ये और दूसरों पर भी बोझ बनेगा, तो ज़्यादा मकदार नहीं लगाएंगे इसकी, हल्की सी एक दो स्प्रे भी काफ़ी होगी, क्योंकि ये स्वीट और स्ट्रांग टाइप की फ्रेगरेंस है और ख़ास तौर पर आप जब किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे तो बहुत हल्की सी मकदार इसकी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसके बाद कोको मेड मिजाइल है शनेल की, ये भी बहुत फ्लोरल और बहुत ज़बरदस्त टाइप की फ्रेगरेंस है कोको मेड मिजाइल, ये भी 50 ml की है, 40% कंसनट्रेशन के साथ। अगर आप इसकी सर्च कर ले तो ये दुनिया की टॉप क्लास में आता है, आप नेट पे सर्च कर ले कोको शनेल तो दुनिया में तकरीबन लेडीज़ में 3-4-5 नंबर तक इसकी रेंज, इसकी रैंकिंग होगी कोको मेडमिजाइल शनेल की। इसकी काफ़ी वैरायटी है हमारे पास। इसके बाद जो है टोबैको वनाइल है, टोबैको वनीला बाय टॉम फोर्ड, इसकी इम्प्रेशन है, ये भी बहुत निश कैटेगरी की और बहुत बेहतरीन टोबैको और वनीला की टच है। टॉप में इसकी टोबैको है और स्पाइसी नोट्स हैं, मिडल में वनीला टोंका बीन, ये इसकी मिडल नोट्स में, और लास्ट नोट में जो है ये इसकी इस तरह की चीज़ें शामिल हैं। ये बहुत बेहतरीन फ्रेगरेंस है, स्वीट टोबैको की टच अगर किसी को पसंद हो, लेकिन ये है निश कैटेगरी की स्वीट फ्रेगरेंस है। इस तरह मैं आप दोस्तों के एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इस तरह की निश कैटेगरी की फ्रेगरेंस चाहिए तो आप पहले इसको टेस्ट किया करें, क्योंकि नसोमाटो की ब्लैक अफवानो एक दोस्त को मैंने भेजी थी सियालकोट, उसको उसने कहा कि यार ये तो बहुत अजीब किस्म की खुशबू है, उसमें असल में कैनेबस हैं, बंग जिसको कहते हैं, तो बंग वाली खुशबू जो है वो
हर किसी को पसंद नहीं आती, तो इसलिए आप जब भी कोई खुशबू वगैरह लेते हैं तो उसको पहले टेस्ट किया करें निश कैटेगरी के, क्योंकि ये रसमाट अफगान ब्लैक अफगान जो है ये उस तरह की फ्रेगरेंस नहीं है जैसे उसकी फ्रेगरेंस होती है थ्री डायमेंटस ब्लूडी शनैल चैनल चांस, इस तरह की फ्रेगरेंस नहीं है बल्कि वो। और इसके बाद जो है ये अरबा पूरा है एक जरजोफ की, ये फ्रूटी टाइप की फ्रेगरेंस है, बहुत ज़बरदस्त स्वीट और फ्रूटी फ्रेगरेंस है। अगर किसी को स्वीट टाइप की फ्रेगरेंस पसंद हो जैसे गुची फ्लोरा चैनल चांस बमशेल, तो उसके लिए अरबा पूरा एक जरजोफ टॉप क्लास की चीज़ है, उसको ज़रूर पसंद आएगी। अगर किसी को एक्वाडीजियो टाइप की फ्रेगरेंस पसंद हो होलो ब्लू टाइप की, तो उसको फिर अरबा पूरा पसंद नहीं आएगी, ये याद रखें ये बातें। तो दोस्तों ये बमशेल लिवर स्पॉट ये फ्रेगरेंसेस अगर 50 ml में किसी को चाहिए तो वो 03169753844 पर रब्ता कर सकते हैं। और लिपट के थ्रू हम भेजते हैं, पेमेंट का जो तरीकाकार है वो एडवांस पेमेंट जैस कैश इजी पैसा या बैंक के थ्रू हम सूट करते हैं। ये जी बमशेल रेडी हो गया, इसके बाद उची फ्लोरा रेडी करते हैं। ये सारे टॉप क्लास की फ्रेगरेंस है, दुनिया की जो टॉप क्लास की फ्रेगरेंसेस होते हैं ये वही फ्रेगरेंसेस हैं इसमें। लेकिन ये है कि टेस्ट हर इंसान की डिफरेंट होती है, तो टेस्ट को ज़रूर आप चेक किया करें अपना टेस्ट। ये जी गुची फ्लोरा भी रेडी हो गया, इसके बाद पोलो ब्लू भी करते हैं ट्राई। ये भी जी पोलो ब्लू भी रेडी हो गया है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़। ज़िदा बंद कर।